जंगल राज को जनता राज मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और गुंडों के हवाले कर दिए हैं। गुंडा राज स्थापित इन्होंने कर दिया। इस पाप का भागीदार मुख्यमंत्री जी हो। खुल करके अपराधी के मन में जो अपराध का तांडव किया जा रहा है, पेट्रोलिंग घनी आबादी में पेट्रोलिंग होता था दिन में भी रात में भी। देखिए अभी समाचार अभी जानकारी आई नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। मंगलवार के शाम को बता दें कि बेगूसराय में दो बाइक सवार अपराधियों ने 11 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। ऐसे में 10 लोग जख्मी हैं और एक जो व्यक्ति है उनकी मौत हो चुकी है। बता दें कि अब इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है और विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है। ऐसे में बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है और बेगूसराय के गोलीकांड को लेकर भी बीजेपी काफी एक्टिव दिख रही है। आज सुबह ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है बेगूसराय पहुंच गए हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी बेगूसराय में हैं और वहां पर काफी एक्टिव मोड में दिखे। और बेगूसराय में गोलीकांड को लेकर उन्होंने कहा है कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की एंट्री हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने बहुत कुछ बिहार सरकार को लेकर कहा है, महागठबंधन की सरकार को लेकर कहा है। सबसे पहले सुनिए कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने और क्या कुछ कहा है। देखिए अभी समाचार पूरी जानकारी आई नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, पुलिस प्रशासन कहीं नजर नहीं आती है। खुल करके अपराधी के मन में जो अपराध का तांडव किया जा रहा है, पेट्रोलिंग घनी आबादी में पेट्रोलिंग होता था दिन में भी रात में भी। अगर जो गोली मारा जा रहा है तो अपराधी को क्यों नहीं पुलिस पकड़ा? अगर जो गश्ती दल त्वरित एक्शन लेता, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता तो अपराधी पकड़ा जाता। आज लखीसराय के अंदर ही भीषण डकैती हुआ है मैदनी चौकी में, 2 घंटे तक लूटता रहा। बगल में थाना है, एनएच पर मकान है, हंगामा उतना मारपीट हुआ, चिल्लाते रहा, पुलिस आई नहीं। फोन किया गया तो कहा कि ये झूठ है, ऐसे ही तुम लोग अति करते हो। पूरी तरह से ये जंगल राज को जनता राज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और गुंडों के हवाले कर दिए हैं। गुंडा राज स्थापित इन्होंने कर दिया। इस पाप का भागीदार मुख्यमंत्री जी होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है और मुख्यमंत्री जी के आला पदाधिकारी फोन नहीं उठाता है, DGP फोन नहीं उठाता है, SP को लखीसराय को फोन लगाया, डकैती के मामले में फोन नहीं उठाया। तो जहां प्रशासन का मनोबल गिरा हुआ है, अच्छे पदाधिकारी को साइड किया गया, भ्रष्ट पदाधिकारियों को फील्ड में रखा गया है, तो ये दुष्परिणाम तो आएगा ही। तो आपने देखा कि किस तरह बीजेपी लगातार बिहार सरकार को घेर रही है, एक्टिव मोड में है। ऐसे में बता दें कि बेगूसराय में गोलीकांड को लेकर बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि आज बेगूसराय बंद रहेगा। और जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं इस गोलीकांड के बाद, तो सच में ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के ऐलान के बाद बेगूसराय बंद का असर साफ तरीके से दिख रहा है। आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हम तक अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे IVTV के साथ। धन्यवाद। सुप्रीम फर्नीचर नाम ही काफी है, रेंज ऐसा कि देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। यहाँ आपको मिलेगी 400 से लेकर 4000 तक की कुर्सी, तो देर मत कीजिए। होलसेल और रिटेल के लिए आइए बिहार के एकमात्र डीलर लवली इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज में। हमारा पता है नाला रोड पटना। जानकारी के लिए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9931239990 या फिर 9835067074 पर।